गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हमारा लुकिंग अराउंड का सेकंड चैप्टर है। सभी बच्चे अटेंटिवली इसे देखेंगे। द प्लांट फेरी, पौधों की रानी परी। लास्ट संडे वी वेंट टू ए गार्डन इन द नेबरहुड। पिछले रविवार को हम पड़ोस के बगीचे में गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक, यानी छुपा छुपी, एंड अंताक्षरी, और हमने वहाँ लुका छुपी यानी छुपा छुपी और अंताक्षरी का खेल खेला। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हमने अत्यधिक मज़ा लिया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले ए न्यू गेम टुडे। उसके बाद दीदी ने कहा मैं आज आपको एक नया खेल खिलाती हूँ। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर, और ये खेल हमने पिछले वर्ष कैंप में खेला था। आई विल बिकेम ए प्लांट फेरी, मैं एक प्लांट फेरी बनी थी। प्लांट पौधे को और फेरी परी को कहते हैं। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। द प्लांट फेरी, तुम किसी का भी नाम रख सकते हो और तुम सब उसे छू सकते हो। द गेम बिगेन, खेल शुरू होता है। दीदी सेट, दीदी ने कहा द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच प्लांट। जो प्लांट फेरी है कौन बनी भाई? दीदी बनी है। अब वो प्लांट फेरी कह रही है मैं तुम्हें पौधों को छूने के लिए कहती हूँ। At once all the children run towards the plants, और सभी बच्चे पौधों की ओर दौड़ते हैं। अब देखो आप चित्र में, जैसे कि एक लड़की है, इसने जिसका नाम है अम्मू, इसने कौन सा पौधा टच किया? इसने मेरी गोल्ड का पौधा टच किया है जिसे गेंदा कहते हैं। और सबनम ने एक जैस्माइन के पौधे को टच किया है, देख रहे हैं ये मेरी गोल्ड जैस्माइन। और दयाराम ने नीम के पौधे को टच किया है, ये देख रहे हैं नीम प्लांट्स। और माइकल ने मेहंदी के पौधे को टच किया, देखिएगा। तो बच्चों आपने देखा है, एमू ने मेरी गोल्ड, सबनम ने जैस्माइन, और दयाराम ने नीम, और माइकल ने मेहंदी के प्लांट को टच किया है। दीदी सेड वेरी गुड, दीदी ने कहा बहुत अच्छा। एवरीवन हैड टच्ड ए प्लांट, प्रत्येक ने पौधे को छुआ। बट हैव नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन दीदी ने कहा तुमने बच्चों ध्यान दिया, हर एक पौधा दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। दीदी यू आर आल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड सबनम। सबनम ने कहा दीदी तुम भी तो एक छोटे पौधे पर बैठी हुई हो, छोटे पौधे पर बैठी हुई हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या तुम उस पौधे का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी हुई है। द गेम स्टार्टेड अगेन, फिर से गेम शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, और प्लांट फेरी ने कहा टच ए ट्री विच हैज़ आइदर ए थिक और थिन ट्रंक, एक ऐसे पौधे को छूना है जिसकी जो ऊपरी सतह है वो घनी है और पतली है। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्री विद विच और थिन ट्रंक, बच्चे दौड़े और उन्होंने घनी और पतली छाल वाले पौधे को छुआ। हैव यू सीन ए ट्री विद ए ट्रंक एज थिक एज वन एज द वन सोन इन द पिक्चर, क्या तुमने उस पेड़ को देखा जो बच्चों ने छुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे चित्र में बच्चों ने वृक्षों को छुआ है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को ये खेल बड़ा अच्छा लगा। He thought how lucky the fairy was. उसने सोचा कि फेरी कितनी सौभाग्यशाली थी।
सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, जो प्रत्येक को आदेश देती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द फेरी प्लांट फेरी प्लांट फेरी, अब मैं भी फेरी प्लांट बनूंगा, सेड माइकल, माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जोर से हंसे। ए बॉय फेरी, एक लड़का फेरी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, अब वो सब नए प्लांट फेरी का आदेश लेने के लिए तैयार थे। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली, मुझे जल्दी से कुछ पत्तियां ला कर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी, और दीदी ने कहा लेकिन तुम्हें याद रखना है किसी भी पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों को एकत्र करने के लिए दौड़े। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन्स, बच्चों आप यहाँ विभिन्न प्रकार की पत्तियों को देख रहे हैं, क्या सबका रंग एक जैसा है, क्या सबके आकार एक जैसे हैं, ये आपको देखना है। सभी पत्तियाँ डिफरेंट हैं, कलर में भी डिफरेंट हैं, साइज में भी डिफरेंट हैं। दयाराम सेट, दयाराम ने कहा आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, मैं नहीं जानता था कि पत्तियाँ इतने प्रकार की होती हैं। लुक, देखो, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रिंगलर, कुछ पत्ती गोल होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ तिकोनी होती हैं। अम्मू शेट, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल, उनके कलर भी विभिन्न होते हैं। से सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ हल्की हरी होती हैं, कुछ गहरी हरी होती हैं। सम आर इवन येल्लो, कुछ पीली, रेड, लाल एंड पर्पल, बैंगनी होती हैं। देर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैटेचिस ऑन इट, लेकिन कुछ हरी होती है लेकिन उन पर थोड़े धब्बे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देखो ये पत्तियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अन ईवन, कुछ सीधी होती हैं और कुछ सीधी नहीं होती हैं। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक ऐसा, कुछ तो एक आरी की तरह दिखती हैं, जैसे आरी में कटाव होते हैं, तो ऐसे जैसे आपने नीम की पत्ती देखी होगी, है ना, नीम ट्रीज लीव्स, उसमें भी ऐसे कटाव होते हैं। सैड सबनम, सबनम ने कहा। अम्मू एंड सबनम साउटी टुगेदर, दोनों चिल्लाए वी आल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी, हम भी प्लांट फेरी बनेंगे। दीदी सैड, दीदी ने कहा नॉट टूडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, शायद अगले रविवार को। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड ए पोयम फ्रॉम एवरीवन, और दीदी ने प्रत्येक को एक कविता लर्न करने के लिए कहा। ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। अब इस लेसन से रिलेटेड हमारे इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जैसे ही स्कूल की ओपनिंग होगी तब ये होमवर्क आपका देखा भी जाएगा। हमने फर्स्ट लेसन में भी आपको रिटिन वर्क दिया है जिसे आप अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर सकते हैं। ऐसे हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें भी दिया जा रहा है। यस दीदी वॉज सिटिंग ऑन द, सॉरी, कैन यू नेम ए प्लांट इन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या तुम उस पौधे का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी हुई थी। यस दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास प्लांट, हाँ दीदी घास पर बैठी हुई थी। हैव यू सीन ए ट्री विद ए ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर, क्या तुमने कभी ऐसा पेड़ देखा है, हैं, जिसकी छाल घनी होती हैं जैसा चित्र में आप देख रहे होंगे। यस द ट्रंक ऑफ द बेनियन ट्री इज ए थिक एज द
वन इन द पिक्चर, हाँ ऐसा एक बरगद का पेड़ होता है जिसकी छाल घनी होती है। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप एंड मार्जिन्स, क्या सभी पत्तियों का रंग एक जैसा होता है, आकार एक जैसा होता है, उनका जो बनावट है पत्तियों की एक जैसी होती है? नो। कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन नीम बेसिल, जानते तुलसी मिंट पुदीना एंड कोरिएंडर धनिया, तुम्हें कुछ पौधों के पत्ते एकत्र करने जैसे नींबू नीम तुलसी पुदीना और धनिया। कर्स द लीव्स एंड स्मेल देम, उन्हें आप अपने हाथ से मसलो और उनकी स्मेल को देखो। डू दे स्मेल ऑल स्मेल लाइक, क्या उन सब की खुशबू एक जैसी होती है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाई देयर स्मेल, क्या तुम उनकी स्मेल से उनकी खुशबू से उनको पहचान सकते हो कि पौधा किसका है? नो ऑल लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक, नहीं सभी की जो खुशबू होती है सभी पत्तियों की खुशबू एक जैसी नहीं होती है। यस वी कैन आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल, लेकिन हम कुछ पत्तियों के सुगंध से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहचान सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, चित्र को देखो और बताना है उसका प्रकार पत्तियों का कैसा है और फूलों का, ये आपको देख करके बताना है। देखिएगा ऑन द बेड सीट, जैसे आपके घर में जो आप बेड पर बिछाते हैं बेड की चादर बेड सीट है। ऑन द वॉल पेंटिंग, दीवार पर पेंटिंग कर सकते हैं। ऑन द पिलोस तकिए पर भी, ऑन द बुक किताब के कवर पर भी। ऑन द पैंट ऑफ द गर्ल्स लड़कियों की पैंट्स, ऑन द कारपेट चटाई पर। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, तुम उनमें से कितनों के नाम जानते हो? राइट देयर नेम, उनके नाम लिखने। नीम बैनियान मैंगो गवावा ब्लैकबेरी अशोक रोज बेसिल, नीम बरगद आम अमरूद बेरी अशोक गुलाब तुलसी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन, क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका आपने नाम सुना है लेकिन देखे नहीं है? ओ हैं एकासिया पाइन्स चेस्टनट हैं मर्जुना स्प्रूस फायर एलमोंड, तो ये पौधे हैं जिनके बारे में केवल हमने सुना है लेकिन देखे नहीं है। तो ये यहीं पर हमारा लेसन फिनिश होता है। सभी स्टूडेंट्स इसे अपने नोटबुक में करें और लेसन को इस मोबाइल की वीडियो के माध्यम से जब तक समझ में ना आए बार बार इसकी स्टडी करें। थैंक्स।